बजरंगबली ने समझौता कराया है, कहां करवा दिया है? जय बजरंगबली। प्रभु ने कहां समझौता करवाया है ये आपको दिखा देते हैं, थोड़ा अलग खबर लग रही है इसलिए दिखाना बताना जरूरी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मंदिर है, मंदिर हनुमान जी का है, मंदिर का नाम है समझौते वाले हनुमान जी मंदिर। और यहां मध्य प्रदेश की पुलिस ने बड़े झगड़े का समझौता करा दिया है, पुलिस ने बजरंगबली के द्वार में, बजरंगबली तो होते ही, इसलिए आज इस मंदिर पर बात कर रहा हूं। पूरी खबर विस्तार से जान लीजिए। चलिए बता देता हूं आपको खबर क्या है। ग्वालियर के समझौते वाले हनुमान मंदिर में दो परिवारों की 8 साल पुरानी रंजिश खत्म हो गई। सोचिए जरा, 8 साल पुराना विवाद चंद मिनटों में खत्म हो गया है, चंद मिनटों में। अब विवाद तो विवाद है, खत्म होना चाहिए, कैसे भी खत्म हो, लेकिन यहां बजरंगबली ने खत्म करवाया। दरअसल ग्वालियर के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के छूंदी गांव में दो परिवार केवल खेत की मेड़ की को चौड़ा करने को लेकर दुश्मनी पाल बैठे थे। मामला इतना छोटा नहीं था जितना सुनने में लग रहा है। इस दुश्मनी में कई बार लाठी डंडे चल चुके थे। एक बार तो मामला इतना बिगड़ गया था कि बंदूकें भी तन गई थी। कई बार मामला खूनी संघर्ष तक भी पहुंच गया था। इस पूरे मामले में अब तक करीब 20 लोग घायल हो चुके हैं। आप समझ गए ये खबर क्यों पड़ी है, 20 लोग घायल हो चुके हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर 3-3 FIR भी दर्ज है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले दोनों पक्षों के बीच फिर से विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया और सभी को समझौते वाले हनुमान मंदिर के सामने बिठाया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और बताया कि 8 सालों में इस दुश्मनी ने क्या क्या खोया है, बाकायदा सब कुछ समझाया गया। बस फिर दोनों ही पक्षों ने हनुमान जी को साक्षी मानकर ये कसम खाई कि आज के बाद कभी झगड़ा नहीं करेंगे। और इस शपथ के बाद भंडारा भी किया गया जिसमें पुलिस बल भी शामिल रहा। बजरंगबली का न्याय गजब है। पुलिस अधिकारी जिन्होंने समझौता कराया है उनका क्या कहना है पूरे मामले पर, सुन लीजिए, सुनाइए भाई। अच्छा है नहीं, लेकिन अच्छा है, ये होना चाहिए आपस में मेल मिलाप। खाने पीने से कहते हैं रिश्ते मजबूत होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और तभी समझा जाता है कि ये दुश्मनी विरोध विवाद खत्म हुआ जब दोनों लोग एक साथ खाने लगे। तो आज इनको हम दोनों को एक साथ बैठकर खिलाएंगे दोनों टीम को, और इनका भगवान के सामने साक्षी मानकर ये लोग कसम खाएंगे कि हम कभी विवाद नहीं करेंगे। सीधे मुद्दे की बात यह है कि दुश्मनी हो या कोई झगड़ा, इसी तरह से सुलझ जाना चाहिए, और जब भगवान का आशीर्वाद हो तब तो सुलझा ही लेना चाहिए।